नमस्कार, मैं अशोक व्यास और न्यूयॉर्क में सुशील पंडित जी के साथ बैठना बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ जो संबोधन पंडित का है उसके साथ विद्वता का एक जो भाव रहता है वो आपकी अभिव्यक्ति और जिस तरह से आपने अध्ययन करके और ऐसे संदर्भ जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमें सूचना नहीं कहूँगा, संवेदना के साथ में जो सूचना आपके द्वारा पहुंची है वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उसका महत्व भी है। और पर हम आपके तरफ, कई लोग आपको ऐसे जानते हैं उनको आपको सुनकर YouTube पे अन्य चैनल्स के माध्यम से, पर सुशील पंडित जी के प्रारंभिक काल की तरफ चलते हैं। और आपका जन्म कश्मीर में ही हुआ था, कहीं बाहर हुआ था परिवार वहां से? मेरा विस्थापन मेरे जन्म से पहले हो गया था। मेरे पिताजी को पढ़ने के लिए कश्मीर से बाहर आना पड़ा क्योंकि वहाँ भेदभाव बढ़ गया था। मेधावी होने के बाद भी लोगों को उच्च शिक्षा में सीधे सीधे दाखिले नहीं मिलते थे, नौकरियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो दिल्ली आकर के पढ़ने लगे, फिर दिल्ली में ही नौकरी पाई, वापस गए, ब्याह हुआ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, वो केंद्रीय एक सेवा में थे जिसमें स्थानांतरण होता रहता था, तो चाहते थे कि हम लोग कश्मीर में थोड़ा स्थायित्व पाएं और वहां रह करके पढ़ें। वो कोशिश भी की लेकिन फिर लगा कि अच्छी शिक्षा दिल्ली में ही मिल पाएगी, तो फिर दिल्ली आ गए फिर से। लेकिन कश्मीर के साथ निरंतर संपर्क रहा, गर्मियों में हम कश्मीर में होते थे और सर्दियों में कश्मीर हमारे यहाँ होता था। क्या बात, दादा दादी नाना नानी अन्य रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे सर्दियों में। और फिर जो भी हमारा सुख दुख था, प्यार मोहब्बत झगड़े थे, सब कश्मीर में ही थे और इसलिए कश्मीर के साथ एक अंतरंगता रही। वहाँ मेरा नाना नानी का घर, मेरे दादा दादी का घर, मेरा ही घर था। सुशील, ये कश्मीर की अंतरंगता के साथ में अध्ययन की बात जो हम कर रहे थे तो मुझे ऐसे स्मरण आता, एक तो आप मास कम्युनिकेशन में स्ट्रेटेजिक मीडिया प्लानिंग भी आपने पढ़ाई और कम्युनिकेशन के फील्ड से आपका काफ़ी करीब का संबंध रहा। और हम उस बरस की तरफ भी जाएंगे जो जिसको लेकर बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और जिस त्रासदी को अगर एक तारीख के साथ में याद करते हैं, वो समय आप कहाँ थे उस वक्त? मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली में पढ़ करके नौकरी करने लगा था और सर्दियों के शुरू होते ही जैसे लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ, कुछ रिश्तेदार आए और इस बार कुछ नहीं आए, पूरा का पूरा रेला आया और बदहवासी में आया। और पिताजी को छुट्टी लेकर के उनके लिए किराए के मकान ढूंढने पड़े, उनके बच्चों के दाखिलों के लिए जुगत लगानी पड़ी, उनके लिए काम धंधे ढूंढने पड़े, ये सब हुआ। ये बरस है 1989 का आखिरी दौर, दिसंबर का महीना और 90 का पहले 3-4 महीने। तो सुशील जी, जो कुछ आप उनसे सुन रहे थे जो कि कश्मीर से आए थे, जिनकी सेवा के लिए आपके पिताजी सक्रिय थे, आप भी उनकी मदद करें, उनसे जो बातें करते हुए आप सुनते थे कि उन्होंने जो अनुभव, भी शब्द ठीक नहीं लगता है यहाँ पर, जो पीड़ा भोगी और जिस तरह के परिस्थितियों के शिकार होकर वो वहां से निकले थे, और आप देख रहे थे मीडिया में क्या आ रहा है, तो दोनों एकदम अलग अलग बातें रही। बिल्कुल नहीं, ये केवल मेरे परिचय और परिचित ही नहीं थे, दिल्ली में कोई सामुदायिक केंद्र ऐसा नहीं था जिसको एक शरणार्थी शिविर में न बदल दिया गया। लोग फुटपाथों पर दिखाई पड़ते थे, लोदी कॉलोनी में, सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, हमारा सामुदायिक भवन था अमर कॉलोनी में, वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की तरह हो गए थे। एक बड़े से हॉल में रस्सियां बांधकर उनपे चादरें लटका करके छोटे छोटे कमरे नुमा बना दिए गए थे पार्टीशन, और एक एक पार्टीशन में आधा दर्जन 10 लोग पड़े रहते थे। सामान नहीं था, खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं थी, ओढ़ने
धोने नहाने की बात ही छोड़ दीजिए, कोई निजता नहीं बची थी। और ये ऐसे लोगों का हाल था जो संपन्न भी थे, अच्छी भली जिंदगी जी रहे थे, कई लोगों ने तो कश्मीर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, कई लोग अपने गांव से कभी नहीं निकले थे, उन्होंने कोई हाईवे नहीं देखा था, ट्रेन नहीं देखी थी, उनके पास गर्मियों में पहनने वाले कपड़े नहीं थे। ऐसे ऐसे लोग मैंने सुना कि जिनकी कश्मीर में अपनी निजी कार थी, वो जम्मू में बसों में कंघियां और बॉल पेन बेचते हुए पाए गए। सुशील मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं राजस्थान में था उस वक्त, ये सब हुआ कश्मीर में, मैंने अखबार में कभी पढ़ा नहीं। और मैं भी उस वक्त आकाशवाणी जोधपुर में काम करता था, पर न कोई आकाशवाणी में ऐसी खबरें, इतने विवरण, कुछ संकेत भी नहीं मुझे लगता है। तो ये ऐसा कि ब्लैकआउट जैसा हो गया, उस सारे घटनाक्रम के बारे में भारत में कोई बात ही नहीं कर रहा था, ये क्यों कर हुआ? अब आप देखिए, कश्मीर में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे, देश में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, सरकारी एक अजीब सी आप कह सकते हैं कि वैचारिक प्रतिबद्धता के नाते सारे मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखे हुए थी। लगता था कि कहीं सांप्रदायिक होने का आरोप ना जड़ दे कोई, हिंदू की बात करना जोखिम से कम नहीं था क्योंकि वहां किसी पर भी सांप्रदायिक होने का आरोप बहुत आसानी से मढ़ा जा सकता था, और खासकर अगर आप हिंदू हैं तो। तो ये एक परिस्थिति थी और लगता था कि हम लोग अभिशप्त हैं अपने ही देश में। ये अभिशप्त शब्द आप बहुत ठीक लाए। तो सांप्रदायिक होना मानवीयता की कीमत पर हो रहा था, मतलब वो लांछन नहीं लग जाए इसलिए आप मानवीय संवेदनाओं को भी अलग रख दें, ऐसी मानसिकता जो है वो बड़ी घातक है व्यक्ति के लिए नहीं राष्ट्र के लिए भी। मुझे तो लगता है ये पाखंड है, ये निरा पाखंड है। आप आंखों से देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, आप उसके नतीजे देख रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप उसके लिए कोई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, आप उसके लिए कुछ नए सिद्धांत गढ़ रहे हैं, आप उसको या तो उचित ठहराने के प्रयास कर रहे हैं या उसकी तरफ से आंख मीच रहे हैं। तो ये तो निरंतर चलता रहा, इसको कम आंकने की कोशिश की जाती रही अगर आप इसको ढक भी ना पाए तो। और ऐसा भी नहीं था कि हिंदू में चेतना हो, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब जो मीडिया संस्थान थे उनके दरवाजों पर एक विशेष वैचारिक दुराग्रह के पहरेदार तैनात थे। वो तय करते थे कि कितनी हेडलाइन किस खबर को मिलेगी, वो किस पन्ने पर कितने आकार प्रकार में छपेगी, वो छपेगी भी कि नहीं छपेगी, कौन से विचार एडिट पेज पे जाएंगे। मैं समाचार पत्र या मीडिया की एक भूमिका होती है, उसके अलावा जो समाज है उसकी भूमिका होती है, फिर राजनीतिक दलों की कह दीजिए या राजनेताओं की भूमिका होती है। अब मैं इस बात में, इस कड़ी में, जो जनमानस है जो कि सम्मिलित रूप से किसी बात को उठाता है, दबाव बनाता है, वैसी स्थिति कश्मीरी पंडितों की स्थिति को लेकर भारत में बनी नहीं, उसके पीछे क्या कारण आपको? आपने पूरे के पूरे देश को राशन कार्ड की लाइन में लगा रखा था, ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जो आपको खुले बाजार में उचित दाम पर मिल सके। मैंने किशोरावस्था में एक लाइफ बॉय भी राशन की दुकान से खरीदी है, साबुन, तेल, दाल, आटा, चावल, चीनी, यहां तक कि मिट्टी का तेल, ये सारी जरूरी उपयोग की दैनिक चीजें। इसके लिए जब आप एक समाज को तरसा देंगे, एक बजाज स्कूटर के लिए आप 10-10 साल इंतजार करेंगे, अभावों से ग्रस्त देश में जब आपको जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, आपको उससे आगे कोई समय ही ना मिले कि आप आसपास झांक करके देखें कि हो क्या रहा है, और अगर कोशिश भी करें तो वो पूरा संचार तंत्र
ऐसे प्रभाव में है, ऐसे नियंत्रण में है कि वो आपको कुछ जानने समझने ना दे। तब कोई इंडिपेंडेंट टेलीविजन नहीं था, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, गिने चुने अखबार थे। उसमें एक वामपंथी या एक सेक्युलरी मानसिकता का वर्चस्व था। अगर कोई देशभक्त या वस्तुनिष्ठ पत्रकार था भी, तो उसको लगता था कि मैं इस जमात में नक्कार खाने में तूती जैसा लगूंगा। अभी ये जो नक्कार खाने वाली बात कही आपसे, इससे मैं आपका अपना अनुभव भी लिखने पढ़ने का रहा था, आप स्ट्रेटेजिक मीडिया प्लानिंग के बारे में भी पढ़ाते थे, कभी आपके मन में भी आया होगा कि ये वाला जो प्रसंग है इसके बारे में मुझे और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए किसी माध्यम का उपयोग करना चाहिए, लिखना चाहिए, या जो भी ऐसे विचार निश्चित रूप से आए होंगे। जी जी, और उस वक्त हम लोग लेटर्स टू एडिटर लिखा करते थे, वो एक माध्यम बचा था पाठकों के पास अपना विरोध जताने का। और वो मुझे लगता है कि 100 में से 99 बार कूड़े की टोकरी में फेंका जाता रहा, और कभी छपा भी तो इतना कटा फटा और इतना इररेलेवेंट कि मानो जब आपने बहुत बार एतराज किया तो उन्होंने आपका मन रखने के लिए या आपके आरोपों से मुक्त होने के लिए कुछ छाप दिया, और वो भी लिपापोती हो गई जैसा। तो लेकिन फिर भी लगे रहना, बहुत अधिक उपाय या विकल्प नहीं थे। तो यहां तक कि कला के संस्थानों में, साहित्य के संस्थानों में भी पूरा वर्चस्व था। मैं JNU में पढ़ा हूं, वहां आप मानेंगे हमारे यहां गुरु का एक स्थान होता है, लेकिन यदि गुरु अपने ही शिष्य को एक अलग वैचारिक प्रतिबद्धता का पाए और फिर उसे संतरास दे, उसका शोषण करे, उसका भविष्य बर्बाद कर दे, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन JNU में ऐसा होता रहा। JNU में पढ़ाने वाले अगर उस वैचारिक प्रतिबद्धता से अलग दिखाई पड़ते थे तो उनको कक्षाएं नहीं दी जाती थी, उनको सबैटिकल नहीं मिलता था, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। और अगर स्टूडेंट ने ऐसी हिमाकत कर दी किसी विद्यार्थी ने, तो उसके ग्रेड्स खराब हो जाते थे। इसके बावजूद भी अगर वो अच्छा कर गया तो कहीं भी इंटरव्यू में जाएं, उन्हीं के डिपार्टमेंटल हेड्स अगर बोर्ड में बैठे होते थे तो हूची फेर देते थे। ये एक प्रकार का प्रतिशोध की भावना है, वो बौद्धिक गलियारे में भी इस प्रकार होना है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है उस पावनता पर जिसको हम शिक्षा के साथ जोड़ कर देखते हैं। पर मैं कुछ संदर्भ आपके साथ जल्दी जल्दी छू लेना चाहता हूँ, जल्दी का मतलब समय कम ही रह जाता है। तो ऐसा कब हुआ जब आप अपने कार्य से अलग, विशेष रूप से इस बारे में, जब मैं इस बारे में कह रहा हूँ तो कश्मीरी पंडितों के बारे में और जो स्थितियाँ दिखाई दे रही थी उसके बारे में आप औरों तक बात व्यवस्थित ढंग से पहुंचाएं, इस पर आपने पूरा ध्यान केंद्रित किया? ये धीरे धीरे आपके अंदर चलता रहा होगा, पर एक समय आया जब ऐसा हुआ कि आपके अलावा और भी स्वर इस बात को लेकर मुखरित होने लगे। तो ये वाला जो ट्रांजिशन, अगर मैं इसको कहूँ, वो कैसे हुआ, अपने आप हुआ? ये मुझे एक बात और जोड़ देना चाहिए, ये भी एक संयोग है क्या कि इसके समानांतर कि भारतीय जनता पार्टी का उदय इस रूप में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, पर आप जो कर रहे थे वो पहले से कर रहे थे, लेकिन प्रकाश में आना, ये कुछ संयोग? जी मैं बताऊं, 1990 में जब ये आपदा आई, मैं 26 साल का था, मेरा अभी विवाह हुआ था, मेरा पहला बेटा आने वाला था, मैं करियर में एकदम नया था। लेकिन मैं उस आयु में था जब मेरे समुदाय की मुझ जैसे लोगों से ही अपेक्षा थी कि हम कुछ करेंगे। मेरे पिता 2 साल में रिटायर होने वाले थे। मैं एक निम्न मध्यवित्त परिवार से आता, मुझे चुनना था कि इन दोनों में से क्या चाहिए।
और ये अपराध भाव मुझे लगातार पकड़े रहा कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, जितना मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। खैर मैं लगा रहा अपने काम में, करियर में, परिवार में, लेकिन 2008 में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में हुआ है। 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड गठित किया गया था। जनरल एस के सिन्हा गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। अमरनाथ यात्रा में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते थे, सैकड़ों मर जाते थे, हजारों बीमार पड़ते थे, फिसल के हड्डियां टूट जाती थी, किसी को श्वास की बीमारी हो जाती थी, किसी को ज्वर चढ़ जाता था, मौसम खराब होने के कारण लोग फंस जाते थे। कोई प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं थी सरकार की ओर से, जबकि सैकड़ों करोड़ रुपए की आमदनी सरकार करती थी। तो जनरल सिन्हा ने कहा कि ये शर्म की बात है, हमको एक स्ट्रेचर, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ बेसिक मेडिसिन उपचार ये रखने चाहिए। इसके लिए कुछ एकड़ जमीन मांगी गई 15,000 फुट की ऊंचाई पे, जो झक मार के वहां की सरकार को देनी पड़ी। गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे, लेकिन जैसे ही जमीन दी गई एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया गया इस बात पे कि ये जमीन भारत सरकार ने इसलिए ली है, श्राइन बोर्ड को इसलिए दी है कि वहां शेष भारत से पकड़ पकड़ के हिंदू लाए जाएंगे, बसाए जाएंगे और कश्मीर के जनसंख्या के अनुपात को बदला जाएगा। इन कुछ एकड़ जमीन, वो भी इतनी ऊंचाई पर जहां गर्मियों में कोई नहीं रह पाता है। लेकिन शुरू हो गया आंदोलन और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद थे, उन्होंने गवर्नर को कहा कि आप ये जमीन वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं तो ले नहीं पाऊंगा, हमने तो आवंटित कर दी। गवर्नर ने कहा कभी नहीं होगी, ये आप जानते हैं कि ये आधारहीन आंदोलन है, आप इससे निपटिए इस राजनीति से और मुझे तैयारी करने दीजिए यात्रा की। गवर्नर बदल दिया गया, मनमोहन सिंह की सरकार थी, नए गवर्नर एन एन वोरा आए और पहला काम आते ही उन्होंने किया, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे हमारे श्राइन बोर्ड के, उन्होंने जमीन वापस की। मुझे लगा जिस देश में हर हवाई अड्डे के पास ताजमहल नुमा हज घर बनाए जाते हैं सब्सिडीज पे, जिस समुदाय को हजारों करोड़ की सब्सिडीज पे हज यात्रा कराई जाती है, उस अपने ही देश में अपने ही तीर्थ के लिए हम बहुत आधारभूत सुविधाएं, प्राथमिक सुविधाएं, लाइफ सेविंग सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए घुटने टेकने पड़ेंगे सरकार को। उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में कहा कि एक इंच जमीन नहीं देंगे हम। मुझे एक इंच से वो महाभारत का प्रसंग आया था याद, जिसमें कौरवों को समझाने श्री कृष्ण गए और एक इंच देना सका, आपने एक इंच कहते ही मुझे वो दृश्य। इसी तरह इसी सज्जाद लोन ने टीवी डिबेट में कहा आप लेके दिखाइए, हिम्मत हो तो लेके दिखाइए, और वो वापिस की गई। तो हम लोगों का एक संगठन था रूट्स इन कश्मीर, जो विस्थापन में पले बढ़े युवाओं को संगठित करता था, क्योंकि हमें लगता था कि ये पीढ़ियों तक चलने वाला संघर्ष है, अगली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, उनके पास कश्मीर में क्या हुआ उसका अनुभव नहीं, उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। तो रूट्स इन कश्मीर ने ये बीड़ा उठाया कि हम इसका विरोध करें। दिल्ली में हम आए दिन आंदोलन करते थे, उस आंदोलन को हम चरम तक उस दिन ले गए जब हमने सैफुद्दीन सोज के घर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे, धावा बोला। मुद्दा सुर्खियों में आया, हमको लगा कि संघर्ष का रास्ता जो है वो सिरे चढ़ेगा। एक चीज जो हमको बहुत अखरती थी वो था कश्मीर के वो मरजीवड़े जिन्होंने हमें निकाला, जिन्होंने हत्याएं की, सामूहिक नरसंहार किए, बलात्कार किए, अपहरण किए, वो देश भर में स्वतंत्रता सेनानी बने घूम रहे थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे,
मिलते थे, बुलाए जाते थे, फोटो खिंचवाई जाती थी, उनके साक्षात्कार होते थे, वो आर्टिकल लिखते थे, वो मीडिया कॉन्क्लेव्स में बुलाए जाते थे, उनसे पूछा जाता था बताइए कश्मीर में क्या नीति होनी चाहिए, उनको घर जाके पासपोर्ट मिलते थे। उन पर ये सरकार हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चती थी, उनके आने जाने पर, हवाई टिकटों पर, होटल्स के बिल पर, उनकी गाड़ी के तेल पर, उनकी सिक्योरिटी पर, उनके इलाज पर। उतना तो हम लोगों पर, हमारे शरणार्थियों पर खर्च नहीं होता था जिस शाही ठाट बाट से ये लोग रहते थे। हमको लगा कि ये नहीं चलने दिया जाएगा, तो हमारा आंदोलन रंग लाया। उनको आमंत्रण मिलने बंद हो गए, उनका दिखना, उनका महिमा मंडन होना बंद हुआ। लेकिन ये केवल शुरुआत थी, और अपनी नई पीढ़ी की तैयारी के लिए, उनको कश्मीर के बारे में बताने के लिए, इतिहास खंगालना, परंपराएं ढूंढना, बड़े बुजुर्गों से बात करना, उनसे सीखना, उनसे जानना। सुशील जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं भी भारत भारतीय होने के नाते भी, और आभार शब्द लेकर हम सराहना करते हैं उस प्रसंग की जिस पर आपका ध्यान केंद्रित रहा, और संदर्भ को मैं एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके, बहुत कुछ घटित हुआ, सब बातों पे नहीं जा करके, अगर हम ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया, वो एक उत्साह की लहर आई, लोगों ने सोचा कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसके बारे में बहुत नेता जम्मू कश्मीर के कहते थे कि कभी नहीं हो पाएगा इत्यादि, वो हो गया। एक तो उसके होने के समय आपको क्या लगा, अपेक्षाएँ क्या थी, और अभी जहाँ हम खड़े हैं, संक्षेप में आप अगर वो विश्लेषण हमारे साथ। नहीं, ये सच में बहुत, ये युग प्रवर्तक निर्णय था। मैं आज भी मानता हूं 5 अगस्त से पहले का भारत कुछ और था, 5 अगस्त के बाद का भारत कुछ और था। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त को देश से बाहर नहीं निकाल फेंका, चाहे करगिल हुआ हो, कंधार हुआ हो, हमारी संसद पर हमला हुआ हो, मुंबई पर हमला हुआ हो, उड़ी हुआ हो, पुलवामा हुआ हो, हमने नहीं किया। लेकिन हमारी संसद में, हमारे संविधान में, जिसके लिए वो अधिकृत है, खुली बहस करके, खुला विचार विमर्श करके, एक दूसरे के मत को जानते हुए वोट करा के एक निर्णय लिया, वो हमारा अपना निर्णय था। पाकिस्तान ने हमारे उच्चायुक्त को एक्सपेल किया, चीन पहुंच गया सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप सोच सकते हैं कि 370 हमारे संविधान में रहते हुए किसका हित साध रहा था। सही है। और इसके ऊपर तो मानो एक राजनीतिक एक राय थी, ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेस का था। अटल जी की सरकार थी, जो गठबंधन सरकार थी, तो गठबंधन के घटक दलों ने कहा भैया इसको अलग रखिए, तब आएंगे हम लोग साथ। कांग्रेस अभी भी कह रही है हम वापस आए, वापस ले आएंगे। आप सोचिए, तो ये अत्यंत अत्यंत सुखदायी क्षण था, जो केवल एकमात्र मेरा आग्रह है, और मैं लगातार इसको कह रहा हूं। ये आपने एक युद्ध की घोषणा की थी जिहाद के प्रति, आपने संसद में 370 को निरस्त करने का की घोषणा की, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करके उसका अनुमोदन किया। ये पहला कदम था, इसे आखिरी या एकमात्र कदम समझने की भूल हम होती हुई देख रहे हैं। उसकी छत्र छाया में 70 साल जिस तरह जिहाद ने अपना शिकंजा कसा है कश्मीर पर, उसको जमीन से उखाड़ने का काम करना पड़ेगा। अंग्रेजी में डी जूरे और डी फैक्टो दो परिभाषाएं होती हैं। डी जूरे यानी एक संस्थागत संविधान सम्मत व्यवस्था जो 370 ने दी, वो तो आपने हटा दी। जो डी फैक्टो यानी कब्जा जमीन पर किसका है, वो जब तक नहीं हटाया जाएगा, आपके पास कोर्ट की डिग्री हो लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का हो, उस डिग्री का तो उस कागज का भी उतना मूल्य नहीं है।
वो कब्जा हटाना कब होगा? खुद उपराज्यपाल हमारे कह चुके हैं अभी 2 महीने पहले कि कश्मीर के प्रशासन पर 80% जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, 80% जमातियों का कब्जा है, जमाती यानी जमाते इस्लामी, और इन्होंने ले देकर अभी तक आधा दर्जन लोग हटाए हैं, तो आप कैसे करेंगे? और इसके किए बिना, मतलब आप सोचिए, महबूबा मुफ्ती की गठबंधन सरकार में, भाजपा के साथ गठबंधन था, 400 पत्थर बाजों को J&K बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया। जब आप आतंक को, जिहाद को पारितोषिक देंगे, इनाम देंगे, और जो वहां देशभक्त है उसको सताएंगे, उसको भागने पर मजबूर करेंगे या उसको मारेंगे, तब तक कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा? डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। अगर किसी भूभाग पर एक देशभक्त समुदाय नहीं है, आप कितनी देर तक उसे देश का अभिन्न अंग मान पाएंगे? आपने, मैं बस एक तथ्य दूंगा, 5 अगस्त को आपने 370 निरस्त किया, 31 मार्च अभी 8 महीने भी नहीं हुए हैं, आप एक डोमिसाइल नोटिफिकेशन ले आए जिसमें आपने ये प्रावधान किया कि जब तक 15 साल से आप कश्मीर में नहीं रह रहे हैं, आप स्थायी नागरिक नहीं माने जाएंगे। वो तो रह नहीं सकता कोई। अरे उन्होंने, हम हिंदुओं को जो निष्कासित हुए हैं, वो उनका क्या आधार होगा, वो कहां लटके पाए जाएंगे, ये भी आपने नहीं बताया है। 6-8 हफ्ते बाद आप कहते हैं कि अच्छा एक पोर्टल बनाएंगे, उसमें आप अपने कुछ सबूत दीजिए कि आप जहां रहते थे वहां का राशन कार्ड है क्या, वोटर लिस्ट है क्या, बिजली का बिल है क्या? Absolutely. तब हम बताएंगे कि आप जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। ये कितना लज्जाजनक, कितना अपमानजनक है उस शरणार्थी के लिए जिसका 32 साल से आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये कॉमन लॉजिक सरकार सोच नहीं पाती है क्या, ऐसे नीतियां कैसे बना देती है? और वो भी लॉकडाउन के बीचों बीच, 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ जो हफ्तों तक चला, 31 मार्च को 45 पेज का एक गैजेट नोटिफिकेशन आ जाता है, आप केवल ईमेल और फोन कर सकते हैं, किसी ने मांगा नहीं था। मतलब इस तरह की क्या मजबूरी है कि जिसको दुर्ग की तरह अलग रखा, जिस कश्मीर को शेष भारत से, वहां अभी लोग जाना शुरू नहीं हुए हैं, आपने उस दुर्ग की जगह एक और ऊंची दीवार खींच दी। सुजीत जी, बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर आक्रोश होता है और कभी कभी एक निराशा का भाव भी आ जाता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर स्थिति दिखाई दे रही होती है, ऐसा लगता है कि जो आप इतना कुछ जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार कुछ समझ भी रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बदलने की स्थिति में हम कभी होंगे क्या? तो एक नैराश्य नहीं हो आपके अंदर, वो क्या चीज है जो आपको ताकत देती है? एक सवाल। और दूसरा, हम अभी बैठे हैं, बलिदान दिवस मना रहे हैं, और जो कुछ आप यहाँ पर कश्मीरी समुदाय से जुड़ते हुए उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, ये सब आपको अंदर से शक्ति देता है, या आपको लगता है कि ये उस बात से वहां पर नहीं जुड़ पा रहे हैं जहां आप अपेक्षा करते हैं? देखिए, कश्मीर में जो हम पर कहर टूटा, उस समय किसका क्या हश्र हुआ, कौन कहां फंसा, इसका हिसाब किताब रखना मुश्किल था। हम लोग अपने पांव पर खड़े होने की स्थिति में आए, आसपास देखा, जानना को शुरू किया, तो पता चला ये कितना विभत्स एक काल था, ये भीषण काल था। इसके जब और तथ्य सामने आए और जानकारियां मिली,
खून उबलता था। फिर उन आंकड़ों पर जब हमने चेहरे और नाम लगाए, उन अपराधों की विस्तृत जानकारियां पाई, तो लगा कि देखिए ये लोग तो जीवित नहीं बचे हैं जो आकर अपने लिए न्याय मांगे। हम लोग जो बचे रह गए हैं, जघन्य पाप होगा कि यदि हम इनके लिए आवाज न उठाएं। हमारा जो बलिदान दिवस है वो उन सब हुतात्माओं को याद करना और ये संकल्प दोहराना कि आप लोगों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कितनी भी पीढ़ियां लगे। आज तक किसी भी जघन्य अपराध की मुकदमा चलाकर दोषी सिद्ध करना या सजा देना, दंड देना, ये नहीं हुआ है आज तक। एक अपवाद स्वरूप किसी भी अपराध का नहीं हुआ है। उन्हें मानो सामूहिक माफी दे दी गई है। तो ये एक संकल्प है जो हम दोहराते हैं। अब रही बात कि हमें, हम सबको ये आशा कहां से आती है, मिलती है, मेरा अपना एक निजी अनुभव है। मैं आज से कोई 7-8 साल पहले लंदन जब गया था तो वहां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है, उसकी एक कर्ताधर्ता हैं लखू लुहाना, वो हिंदू हैं सिंध के, पढ़ाते हैं एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो उनके साथ बैठ के कुछ अनुभव बांटे, कुछ जानकारियां ली, घंटा डेढ़ घंटा चर्चा की, और उठते हुए मैंने सकुचाते हुए यही सवाल उनसे पूछा। मैंने कहा मैं भारत में हूं, हमारे देश में समाज थोड़ा खुला है, स्वतंत्र मीडिया है, न्यायपालिका है, लोकतंत्र है, हम लोगों को कुछ परिणाम मिले ना मिले, लेकिन यह संतोष है कि हम अपना विरोध, अपनी अस्वीकारिता ऊंची से ऊंची आवाज में कर सकते। आप यहां लंदन में बैठे हैं, आप सिंध जा नहीं सकते, जाएंगे तो पकड़ के मार दिए जाएंगे, और पाकिस्तान आर्मी के जूतों तले है, उनकी एड़ी के नीचे करा रहा है। वहां रहते हुए लोग मुसलमान करा रहे हैं, आप तो हिंदू हैं, आपको क्या आशा मिलती जी, कहां से मिलती? बिल्कुल यही पूछा, आपको क्या लगता है कभी परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? उन्होंने जो मुझे जवाब दिया उसके बाद मैंने ये सवाल पूछना बंद कर दिया। उन्होंने कहा सुशील सिंध मेरी मां है। उन्होंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस काल में हुआ है जब मेरी मां को मेरी आवश्यकता है। तो कुछ होगा, नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा, मैं नहीं जानता। सुशील जी कुछ बातें बिना शब्दों के अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं, पर वो चैतन्य लोगों के साथ होता है। उस चेतना तक पहुंचाने में आपके शब्द जो प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं, उस तरह से माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और आपके द्वारा और भी जैसे कहते हैं दीप से दीप जलेगा साथी, तो वो दीप जगेंगे ऐसा आपके नहीं, आपके ये तरलता से भी वो मुझे आशा आती है, क्योंकि जब हम इतनी गहराई से सत्य निष्ठा के साथ जुड़े होते हैं तो गंगा मैया प्रवाहित होती हैं, उद्धार होता है। उद्धार की बात को लेते हुए जब ज्यादातर लोगों को अब ये जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई, उससे भी ऐसी बातें जो पहले किसी को पता नहीं थी पता लगी, तो आपको लगता है कुछ भारत में अपेक्षाकृत जब ज्यादा लोग जाने हैं तो अगर सहयोग या जिस भी रूप में स्वर उठाने की बात होगी तो पहले के मुकाबले अधिक थोड़ा सहज होगा लोगों को स्थिति को समझना भी अपेक्षाकृत
अशोक जी जिनको ये बातें पता भी थी, जिनको इसकी विस्तृत जानकारी थी, जिनको इससे भी अधिक जानकारी थी और क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, उन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा और बार बार रोया। ये जानकर या देखकर नहीं कि ऐसा हुआ है, इस कारण कि पहली बार इसकी एक्नॉलेजमेंट आई है, पहली बार इसको स्वीकारा गया है और इसको दिखाया गया है। लोग भरे बैठे थे, कोई पूछने आए, मतलब पीड़ित, सर्वाइवर्स, विटनेसेस, मैंने कहा ना मुकदमे नहीं चले, कह रहे कोई पूछने तो आए। तो ये एक कैथारसिस था, एक विंडिकेशन था, ऐसा लगता था कि कहीं सुनवाई है। अपने ही देश में शरणार्थी होने के बाद 32 वर्ष बाद कहीं पर कुछ एक्सप्रेशन है, ये इसका जो संतोष था उसने एक पूरे के पूरे हिमशैल को पिघलाया है। तो कहीं कहीं क्लोजर मिला है। गिरजा तिक्कू, सरला भट्ट, प्राणा गंजू, सर्वानंद कौल प्रेमी कोई नहीं जानता था, समुदाय में सब जानते थे लेकिन औरों के लिए ये कुछ भी नहीं थे। इनके साथ क्या हुआ जब उसको होते देखा गया, मुझे याद है बैंगलोर से एक व्यक्ति ने रात को 12 बजे मुझे फोन किया और कहता है कि साहब आपका नंबर मेरे पास था लेकिन मुझे लगता था कि आप व्यस्त होते हैं और मैं आपको फोन करके बोलूंगा भी तो क्या बोलूंगा, लेकिन आपसे बात करने की इच्छा होती थी तो मैंने सोचा नंबर ढूंढ के रख लूं, कभी बात करूंगा, लेकिन आधी रात को मैं आपको फोन करने की धृष्टता कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी फिल्म देख के निकला हूं और आपसे बात किए बिना सो नहीं पाऊंगा। तो फिल्म ने यह काम किया है, इस पूरे के पूरे प्रकरण को एक ऑथेंटिसिटी दी है, एक स्वीकार्यता दी है। वो चाहे हमको अपनी व्यवस्था से अभी नहीं मिली हो, हमारी व्यवस्था आज भी हमें माइग्रेंट कहती है, प्रवासी कहती है, जबकि हम एक जातीय विध्वंस के शिकार हैं। हमारी व्यवस्था आज भी कश्मीर में जो हो रहा है उसको जिहाद नहीं कहती है, उसको अलगाव कहती है, उसको भटकाव कहती है, उसको शिक्षा या रोजगार का अभाव कहती है। ये पाखंड चला आ रहा है, वहां दिल जीतने की प्रक्रिया हो रही है, जिहाद का दिल जीतने की। आप सोच सकते हैं कि कितना दिवालियापन है ये सामान्य बुद्धि का। अनफॉर्चुनेटली अभी फिर से इस तरह से निर्दोष लोगों के मारे जाने का क्रम, वो श्रृंखला सी जो प्रारंभ हो गई है, ऐसी आशा की जाए कि वो जल्दी थमे और जो कानून व्यवस्था है वो अपना काम और अधिक मुस्तैदी से करे। ये जो हमारी बातचीत है इसको मैं बातचीत से अधिक एक तरह से जो हृदय से हृदय का मिलना कहूँगा, और उसमें इस तरह का जो मनस्वी तेजस्वी भी भारत माँ का सपूत, और मैं कहूँगा कि जैसे बौद्धिक योद्धाओं की आवश्यकता आज के युग में हमें है, तो आपके रूप में वो हमारे सम्मुख एक हैं। तो मैं आपको, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपसे परिचय हुआ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे और आपके दर्शकों से यदि भावावेश में मैं कुछ अधिक कह गया हूँ, उत्साह के अतिरिक्त में कुछ संभाल नहीं पाया हूँ, तो मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे। यानी आपने, मैं अपने दर्शकों की तरफ से और जैसा मैं देख रहा था आपने संतुलित रूप में अपनी बात कही, मगर वो प्रसंग के साथ में कुछ स्मृतियां अंदर जिस तरह से छू जाती हैं, तो वो गंगा जो है वो भी पावन करने वाली है, और मैं इसको शक्ति मानता हूँ हमारी, और ये प्रेम की शक्ति है जिसका प्रकटन आपके माध्यम से हुआ, और वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये बहुत सार्थक रहा आपसे मिलना, बहुत बता रहा हूँ आपको। हमारे साथ सुशील पंडित जी, और उनके बारे में पुनः ये बात दोहराते हुए कि हमें ऐसे भारत के सपूत
और अधिक चाहिए ताकि जो एक शाश्वत स्नेह का आलोक लेकर बढ़ने वाली संस्कृति है वो बची रहे, जिसमें सबके लिए प्रेम है, सबके लिए अपनापन है, पर सुरक्षित रहेंगे तब अपनेपन की बात को लेकर हम आगे की पीढ़ी तक जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। मंगल काम है। अशोक व्यास का नमस्कार।